बंदरों और कुत्तों के बीच गैंग वॉर चल रही है और इस गैंग वॉर से खबर यह आ रही है कि माफिया बंदरों के दो सरदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस गैंग वॉर में अब तक 250 पिल्लों की हत्या बंदरों के द्वारा की जा चुकी है। जब से हम इनके बारे में जाने हैं तब से यहाँ हम डेली आते हैं। यहाँ पे कभी किसी दिन साबूदाना खिचड़ी तो किसी दिन इडली तो किसी दिन पोहा, डेली कुछ ना कुछ। मैं सबसे हेल्दी अगर पटना में सुबह का अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप आ जाइए पटना जू के पास गेट नंबर 2 और यहाँ पे सबसे बेहतरीन सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। ट्विटर पर भी हिंदू वर्सेस मुसलमान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बाद एक शानदार ट्रेंड चल रहा है जो है मंकी वर्सेस डॉग, जो कुत्तों और बंदरों की लड़ाई के बीच बंदरों की अगली पीढ़ी यानी इंसानों के द्वारा चलाया जा रहा है। रिवेंज किलिंग का आलम यह है कि जिस इलाके में ये गैंग वॉर हुई है वहां बिना हथियार तीर तोप बर्छी बम कमान के इलाका धुआं धुआं हो गया है। बंदरों ने बदला लेते हुए इलाके के सभी पिल्लों को मार डाला है। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना और क्यों बंदर कुत्तों पर गर्म हो गए हैं और ये गैंग वॉर चल रही है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों पहले या महीने पहले एक कुत्ते ने बंदर के बच्चों को मार डाला था, जिसके बाद बंदरों में रोष का माहौल आ गया और बंदरों ने बदला लेने की ठानी। उसी कड़ी में पिछले 3 महीने में बंदरों ने महाराष्ट्र के इस इलाके से लगभग सभी कुत्तों के बच्चों यानी पिल्लों को मार डाला है। दहशत का आलम यह है कि लोग अपने पालतू कुत्तों को बाहर निकालने से भी डर रहे हैं। बंदरों की दुश्मनी किसी खास ब्रीड से नहीं है कुत्तों की, बल्कि ये पूरी की पूरी कुत्ता कम्युनिटी के खिलाफ एक जंग है जिसमें एकमात्र लक्ष्य है खून का बदला खून से लेना। ऐसा हम इंसानों के इतिहास में कई बार हुआ है, लेकिन कई सदियों के बाद जानवरों के बीच की लड़ाई देखने को मिल रही है। इस गैंग वॉर के बीच अगर कोई आम आदमी आ रहा है और कुत्तों के मालिक आ रहे हैं तो बंदर उनके खिलाफ भी अपना कड़ा स्टैंड ले रहे हैं और अपने शिकार के रास्ते में आने की सजा भी दे रहे हैं। इस कड़ी में अब तक 250 पालतू और आवारा कुत्तों के बच्चों की मौत हो चुकी है। यह मामला महाराष्ट्र के बीड जिले के मांजल गांव का है। यहां के लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से यह रिवेंज किलिंग चल रही है। इसके बाद वन विभाग की टीम से शिकायत की गई और काफी मशक्कत के बाद खबर यह आ रही है कि वन विभाग की टीम ने 2 खूंखार बंदरों को पकड़ लिया है, जिनको इस समूह का, इस पूरी रिवेंज किलिंग जो हुई है उसका सरगना बताया जा रहा है। इसकी हालांकि बंदरों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें एक घटना ऐसी भी हुई जिसमें सीताराम नेबल नाम के व्यक्ति का पालतू कुत्ता एक बंदर उठा के ले जा रहा था। उन्होंने इसका प्रतिरोध किया, बंदरों के ऊपर लाठी से हमला किया और बंदरों से भिड़ गए। बंदरों ने उन पर भी हमला किया और इस रिवेंज किलिंग के रास्ते में आने की सजा दी और उनके एक पैर की हड्डी टूट गई। इन सबके दरमियान वो अपने पालतू कुत्ते को बचाने में कामयाब रहे। बंदर इस बीच स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में काफी तकलीफ हो रही है। आपको बता दें अगर किलिंग पैटर्न की बात करें तो किलिंग पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। बंदर कुत्ते के बच्चे को देखते हैं, उसकी रेकी करते हैं, पहले उसे फिर पकड़ते हैं, उसके बाद मार डालते हैं और मैसेज कन्वे करने के लिए मरने के बाद वो कुत्तों के बच्चों को पेड़ या किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर लेकर जाते हैं और वहां से फेंक देते हैं। इस तरह से उनका पूरा बदला पूरा होता है और जिसको लेकर के सोशल मीडिया भी जमकर एक्टिव है और लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं। इसके अलावा किंग कॉन्ग समेत कई फिल्मों के वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं और मीम्स भी बन रहे हैं। कुछ मीम्स से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सबसे पहला है मीमर्स का ऑल टाइम फेवरेट गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है बदला, जिसमें 2 बंदर हैं और वो वही वाला पोज है उनका और ये कह रहे हैं। इसके अलावा बंदरों की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के उस जिलाध्यक्ष का भी मीम चल रहा है जिसमें उसने CAA के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा था सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा और अगले पल जो कुछ हुआ वो सबको पता है। इसके अलावा पूरा सोशल मीडिया बंदर बनाम कुत्ते की लड़ाई में उलझा हुआ है, मीम्स जम के शेयर हो रहे हैं। आप भी इंटरनेट पर जाकर कुछ देख सकते हैं और कुछ मीम्स आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, एंजॉय करिए। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, शुक्रिया।